मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से मां तक घसीट लाए। हिंदी उर्दू दोनों पर समान अधिकार रखने वाले मुनव्वर राणा 71 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज उनकी कलम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। मां पर लिखी उनकी शायरी पर जहां लोगों की आंखों से आंसू टपक पड़ते थे, वो आंसू आज मुनव्वर राणा की याद में निकल रहे हैं। इसी स्थिति पर मुनव्वर राणा का एक मशहूर शेर याद आता है कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो सोते ही रह जाएंगे। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। मोहब्बत और जिंदगी पर शायरी लिखने वाले मुनव्वर राणा ने माँ पर जो शायरी लिखी, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। महज दो लाइनों में सब बयां कर देने वाली ऐसी शायरियों के लिए उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा राणा को माटी रत्न सम्मान, कविता का कबीर, अमीर खुसरो अवार्ड और गालिब अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साहित्य के जगत में मजबूत पकड़ रखने वाले मुनव्वर राणा ने एक दर्जन से ज्यादा किताबें भी लिखी हैं। इसमें माँ, गजल गांव, पीपल छाव, बदन सराए, नीम के फूल, सब उसके लिए और घर अकेला हो गया शामिल है। मुनव्वर राणा का जन्म 26 जनवरी 1952 को रायबरेली में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कोलकाता में बीता और वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। मुनव्वर राणा की शादी कानपुर में हुई है। उनके 6 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटियां और 1 बेटा है। मुनव्वर राणा का बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा। उनके पिता अनवर राणा ट्रक ड्राइवर थे और कोलकाता माल लेकर लाते जाते थे। बाद में उन्होंने खुद का एक ट्रक खरीदा। कोलकाता में उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोला और वहीं रहने लगे। मुनव्वर राणा कोलकाता में पिता के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। उमेश चंद्र कॉलेज लाल बाजार कोलकाता से स्नातक किया। बाद में पिता के ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़ गए। कोलकाता में रहते हुए मुनव्वर राणा की मुलाकात अब्बास अली खान से हुई, जिससे वो काफी प्रभावित हुए। मुनव्वर राणा उन्हें अपना गुरु मानते थे। शेर व शायरी की दुनिया में कदम रखने से पहले मुनव्वर राणा का नाम सैयद मुनव्वर अली हुआ करता था, लेकिन वली असी ने ही उन्हें नाम बदलने की सलाह दी, जिसके बाद वो मुनव्वर राणा हो गए। मुनव्वर को लेकर यह भी कहा जाता है कि बचपन में उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो मना करने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के करीब थे और उनके लिए काम किया करते थे। लेकिन 2 साल इधर उधर भटकने के बाद वो फिर वापस आ गए तो माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद मुनव्वर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शेर व शायरी से पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। अखिलेश सरकार में मुनव्वर राणा को उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने उर्दू अकादमी से इस्तीफा दे दिया। मुनव्वर का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। वहीं उनके इंतकाल के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो कुछ लोग सामने से उनके दर्शन करने और उनकी अर्थी को कंधा देने उनके घर पहुंच गए। अपनी शायरी से जिंदगी और रिश्तों का फलसफा बताने वाले कुछ ऐसे थे मुनव्वर राणा, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी कलम से लिखे हुए शब्द हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।